मेरा नाम भावना है, मैं बगरू से हूँ, जयपुर से। मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ SFD से। मैं फर्स्ट बार लोकतंत्र शाला आई थी 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए, जब फेलोज को बुलाया गया था, तब से मैं जुड़ी हूँ। उसके बाद में मुझे ये फेलोशिप मिली, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्य फेलोशिप मिली। इसके साथ ही मैंने संविधान के ऊपर काम किया, जिसके अंदर मैं विशाखा संस्था से जुड़ी थी। यहाँ से तो संविधानिक मूल्य के ऊपर काम करते, जैसे अधिकारों के बारे में, मूल्यों के ऊपर काम करते, जैसे कि हम स्कूलों के अंदर प्रदर्शनी लगाते हैं, संविधान की पुस्तक प्रदर्शनी लगाते हैं। इसके साथ हम हिंसा पर भी काम करते हैं, महिलाओं पर होने वाली हिंसा पर, और अलग अलग जो जैसे हमें काम मिले, जैसे कि हम जवाबदेही यात्रा के अंदर जाना, RTI के बारे में सीखा। ऑनलाइन सत्र में हमने बहुत सी चीजें सीखी, सांप्रदायिकता, ये आजादी के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा हमने उद्देशिका के ऊपर काम किया, जितने भी इसके अंदर मूल्य हैं, अधिकार हैं हमारे, इसके बारे में हमने समझा व सिखाया स्कूलों के अंदर। जनसूचना पोर्टल पर हमने काम किया, जिसके अंदर पहले मैंने समझा सीखा SFD से, उसके बाद में मैंने ये काम किया। और जितना हो सका लॉयर्स के साथ में मैंने खुद की समझ बनाई हिंसा के ऊपर भी, और अलग अलग गांवों में जाकर हमने काम किया, जिसमें महिलाओं के साथ हम जुड़े, जिसके साथ में हमारे बगरू के अंदर बगरू पेंट का काम होता है, जहां पर महिलाओं के साथ में बहुत सी परेशानी आती है छपाई के अंदर। तो ये चीज मैंने वहाँ देखी, जैसे माहवारी के अंदर उनको दिक्कत होती है, वो छपाई करती है तो उनके हाथ में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हाथ सूज जाना और कलर से इन्फेक्शन, ये चीजें, स्मेल भी बहुत अजीब आती है उसके अंदर, बहुत गंदी स्मेल होती है, जो कि वहाँ पर 1 घंटे भी हम लोग खड़े नहीं रह सकते, पर वो दिन भर वहाँ काम करते हैं। उस पर हमने वहाँ पर बात की, वहाँ पर मेडिकल वगैरह भी उनका किया कि क्या परेशानी आती है उनसे, उनके जो घर के अंदर परेशानियां हैं उन पर भी हमने बात की। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि वो लोग क्यों वहाँ पर, महिलाएं ही क्यों काम कर रही है, पुरुष उसके अंदर ज्यादा क्यों काम नहीं कर रहे। तो ये भी हमें पता चला कि महिलाएं इसलिए काम करती है क्योंकि पुरुष ये काम नहीं कर पाते हैं वहाँ पर, ज्यादा बेलदारी वगैरह ये सब ज्यादा काम करते हैं। और जितनी भी महिलाएं वहाँ काम करती है वो बहुत ज्यादा परेशान है, उनके साथ में हर रोज घर के अंदर हिंसा होती है। तो इस पर हमने ज्यादा उनको जोड़ा और उनको साथ में लेकर हमने काम किया, उनके अधिकारों को उनको समझाया, काउंसलिंग करवाई उनकी महिलाओं की। और इसके साथ हम यूथ के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें यूथ हमारे साथ में जुड़ते हैं, जिसके अंदर उनके साथ बेरोजगारी पर बात होती है, हिंसा के ऊपर बात होती है, शिक्षा के ऊपर हम बात करते हैं, जो हम सभी एक साथ एक महीने में 2 बार मीटिंग रखते हैं, जिसके अंदर कम से कम 30 से 40 फेलोज जुड़ते हैं। और इसके साथ ही जितना हो सके हम स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर हम ग्रुप्स बनाते हैं, बाहर भी बनाते हैं, फिर बाद में उनको सभी को संस्था के अंदर लेकर आते हैं। संस्था में हमें अलग अलग तरीके की जानकारियाँ पहले प्राप्त होती है, उसके बाद में हम ये कर पाते हैं। जैसे कि अभी नया हमने सोचा है कि एक नया ग्रुप बनाएंगे जो युवाओं का होगा, जो 3 साल के अंदर अभी जो सभी फेलो जुड़े, 32 फेलो जो मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने सोचा है कि हम स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर जो हिंसा हो रही है लड़कियों के साथ में भी, आजकल पुरुषों के साथ में भी हिंसा हो रही है, तो वो चीज़ें हम वहाँ देखेंगे कि क्या परेशानी है, वो लोग वहाँ संस्था के अंदर लेकर आएंगे, वो हम जितनी हमारी मदद हो सकेगी वो करेंगे, वह उनको समझाएंगे। SFD से जब मैं जुड़ी तो मैंने संविधान के साथ काम किया, मूल्य अधिकारों के साथ में काम किया। और वैसे मैं विशाखा से जुड़ी हुई थी तो हम सिर्फ हिंसा के ऊपर काम करते थे, वह युवाओं के साथ सिर्फ इतना काम करते थे, जैसे कि जेंडर पर, शिक्षा पर, सिर्फ युवाओं के मुद्दे पर ही काम करते थे। पर मुझे यहाँ आने के बाद में राशन, पेंशन, पालनहार, नरेगा, जनसूचना पोर्टल के बारे में मैं कभी नहीं जानती थी, वो मैंने सीखने को मिला। और ये मेरे लिए बिल्कुल अलग था क्योंकि हमारे वहाँ नरेगा नहीं चलती है, पर हमने इसको सुनकर हमने ये कोशिश की कि हम इसे कैसे इनके साथ काम कर सकते हैं। 3 साल का अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत चीज़ें सीखी है SFD से। मैं संविधान का नाम ही मैंने SFD के अंदर जाकर सुना था, सीखा था, क्योंकि संविधान का नाम वैसे लेते हैं पर कभी उद्देशिका के ऊपर हमने काम नहीं किया था। यहाँ आने के बाद में मैंने पहले खुद के अंदर बदलाव लाया, क्योंकि मैंने यहाँ सबसे बड़ी एक चीज़ ये सीखी थी कि
खुद को बदल, खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। तो ये चीज मैंने यहाँ सीखी, मैंने अपने फैमिली के अंदर उतारी, क्योंकि मैं भी एक शुरू से 8 साल की थी, तब से मेरे साथ में बहुत हिंसा हुई। तो ये चीज मैंने यहाँ आकर सीखी कि मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये चीजें मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा ये SFD के साथ जुड़ना। और मैंने अपने परिवार के अंदर व सभी के अंदर बहुत चेंज लाया है, और अब मैं आगे भी काम करती रहूंगी।